तो मैंने अभी अभी बस पॉस्चर करेक्टर को अमेजोन से अनबॉक्स किया है। ये है सिफोज ब्रांड का एक पॉस्चर करेक्टर जो अमेजोन पर बहुत ज़्यादा बिकता है, और आज हम देखने वाले हैं कि क्या ये पॉस्चर करेक्टर काम करता है और बेसिकली वर्क कैसे करता है। सो द रीज़न वाई मैंने इस पॉस्चर करेक्टर को लिया है, आप जैसे देख सकते हैं मेरे शोल्डर्स काफ़ी ऐसे सामने की तरफ टिल्टेड है। मेरा आइडियल पोस्चर कुछ इस तरीके का होगा, शोल्डर्स ऐसे पीछे की तरफ, बट मेरे शोल्डर जैसे आप देख सकते हैं। इसलिए इस पोस्चर करेक्टर की मदद से मैं इसको एक बार पहन के दिखा दूं आप लोगों की बेसिकली काम कैसे करता है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इस पोस्चर करेक्टर को आपको ठीक से सेटअप कैसे करना है। ठीक है, आपको ये दो लंबे ऐसे स्ट्रैप्स मिलेंगे, आपको इन स्ट्रैप्स को कुछ इस तरीके से इस वेलक्रो से आपको ऐसे निकालना है, कुछ इस तरीके से आपको ऐसा एक वी फॉर्मेशन करना है। उसके बाद इस चीज को उठा के आपको पहनना है, आपको इस चीज को लेना है और बेसिकली बैकपैक की तरह आपके पीठ में पहनना है। उसके बाद आपको बेसिकली जो करना है, ये आपका एक एब्डोमेन स्ट्रैप आएगा, इसको आपको मॉडरेटली लगा लेना है, ज्यादा टाइट नहीं करना। ठीक है, और उसके बाद ये जो दो चीजें हैं इसको आपको ऐसे पुल करना है, शोल्डर में थोड़ा सा आपको एडजस्ट कर लेना है, इस चीज को ऐसे पुल करके इसके ऊपर ही ऐसे लगा देना है। ये तो इस पे मैं ऐसे टाइट कर दूंगा, तो ये पोस्चर करेक्टर अभी मैं पहन चुका हूँ। आप देख सकते थे पहले पोस्चर था कुछ इस तरीके का, अभी मैं नॉर्मली ऐसे रिलैक्स कर रहा हूँ। पीछे से जैसे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का लगता है, पोस्चर काफी बढ़िया बना है। अभी मेरा पोस्चर पूरा, मुझे लग रहा है कि पोस्चर खुल गया है सीरियसली। अच्छा, अभी एक चीज के बारे में बात करते हैं कि ये कम्फर्टेबल टू वेयर है कि नहीं। तो मैं बोलूंगा ये जो पेट का एरिया है और ये जो पीछे का एरिया है, ये दोनों एरिया मुझे काफी ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। मटेरियल काफी अच्छा है, काफी सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा है। बट ये शोल्डर का एरिया है ना, यहाँ पे भी मटेरियल इन्होंने एक फोम यूज किया है, बट क्योंकि मैं बस ऐसे ही एक टैंक टॉप के ऊपर पहना हूँ, थोड़ा सा मुझे ये इस एरिया पे इरिटेशन लग रहा है। ये आप नॉर्मल एक टी शर्ट के ऊपर पहनेंगे देन ये चीज आपको नहीं होगा, टैंक टॉप के ऊपर थोड़ा सा आपको इरिटेशन लग सकता है। ओके, तो मैं आपको एक बार बैठ के दिखा देता हूँ कि पोस्चर करेक्टर बेसिकली आपका मतलब काम करने के समय कैसे लेगा। अगर आपको कोई नॉइज़ आ रहा है, ये बेसिकली मेरा अभी कंप्यूटर का नॉइज़ आ रहा है, पीसी का साउंड आ रहा है, बट आई थिंक ज़्यादातर बंदे ही पोस्चर करेक्टर खरीद रहे हैं क्योंकि आप एक डेस्क जॉब करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं, शोल्डर्स आपके ऐसे शागअप हुए रहते हैं, आपका पीठ पूरा ऐसे बेंड हुआ रहता है, आपका आइडियल पोस्चर कुछ आपको इस तरीके से बैठ के काम करना होना चाहिए, बट आई थिंक ज्यादातर बंदे ही वो कुछ इस तरीके से बैठते हैं, राइट। इसको हम टाइट करते हैं ऐसे, आई थिंक ये मेरे लिए एक बढ़िया पोस्चर है। अभी मैं अगर इसके साथ ऐसे ये करना चाहूँ, मैं ये चीज़ कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे एक पुल मिल रहा है, तो ये चीज़ काफ़ी अनकम्फर्टेबल लग रहा है। अभी अगर मैं ऐसे नॉर्मली बैठूँ, अब ये पोस्चर मुझे कम्फर्टेबल लग रहा है क्योंकि पोस्चर करेक्टर से कोई अननेसेसरी पुल नहीं मिल रहा है। इसके साथ अगर आप गंदे पोस्चर में जाएंगे ना, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा क्योंकि पोस्चर करेक्टर बहुत ज़्यादा क्रैम्प्ड और टाइट फील करेगा। ये एक एक्चुअली बड़ा डिफरेंस है भाई, क्योंकि काम करते करते क्या होता है कि आप काम करना जब शुरू करते हैं तब आप बढ़िया पोस्चर मेंटेन करते हैं, बट ओवर टाइम आप ऐसे 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 झूलते जाते हैं। बट इसके साथ वो चीज़ अगर आप ऐसे झूल भी रहे, ये पोस्चर करेक्टर आपको रिमाइंड कर देगा कि आपको ठीक पोस्चर में जाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको अनकम्फर्टेबल फील करना शुरू कर देगा पेट में और शोल्डर में, काफ़ी ज़्यादा आपको पुल फील होगा जिसकी वजह से विल फील अनकम्फर्टेबल एंड यू विल करेक्ट योर पोस्चर। तो आई थिंक अगर आप इस पोस्चर करेक्टर को खरीद रहे हैं ऐसे एक डेस्क पे बैठ के काम करने के लिए, ये पोस्चर करेक्टर एक्चुअल में काफ़ी बढ़िया काम करेगा। लेकिन अभी इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि क्या पोस्चर करेक्टर सचमुच में काम करेगा या फिर नहीं। सच बताओ तो हमारा पोस्चर खराब कैसे होता है? हमारा पोस्चर आजकल खराब हो रहा है क्योंकि हम बहुत ज्यादा डेस्क जॉब्स कर रहे हैं, चेयर पे 8 घंटे 9 घंटे बैठ के काम कर रहे हैं, ऐसे स्लाउच कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा पोस्चर भी वैसा हो रहा है। ऐसा एक पोस्चर करेक्टर अगर आपको हमेशा बढ़िया पोस्चर मेंटेन करके काम करने में हेल्प कर रहा है ना, तो आई थिंक ये डेफिनेटली काम कर सकता है। मैंने सोचा है कि मैं इस पोस्चर करेक्टर को नेक्स्ट 30 डेज के लिए यूज करूंगा और आप लोगों को एक वीडियो बना के दिखाऊंगा बिफोर एंड आफ्टर, मेरे पोस्चर में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि नहीं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट डाउन कीजिए ताकि वो एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। मे बी आई विल सी अ बिग डिफरेंस, 30 दिन के बाद ही पता चलेगा, बट आई थिंक आपके लिए पोस्चर करेक्टर के साथ आपको थोड़े से बैक एक्सरसाइजेस करने हैं, मतलब बेसिकली जिम
जाना है सिर्फ पोस्चर करेक्टर से आपका पोस्चर ठीक हो जाएगा मुझे ये नहीं लगता, थोड़ा सा जिम जाना है, थोड़ा सा अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, देन आई थिंक इसके साथ आपको बड़ा डिफरेंस दिखेगा भाई। बट एनीवे वो वीडियो अगर आपको चाहिए कमेंट डाउन बिलो भाई, 30 दिन के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। आई एम एक्चुअली वेरी वेरी एक्साइटेड भाई।